नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन छागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बेहतरीन से प्लान के। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो कमेंट किया था उन्होंने और उन्होंने मुझे पेड सर्विस के लिए कॉन्टेक्ट किया था। उनका मॉडल था 20x26 फुट, जिसमें फ्रंट में उनको दो दुकानें चाहिए थी, साइड में भी उनका रोड है और ऊपर रहने के लिए चाहिए था। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए मैंने आज मॉडल क्रिएट किया है। बहुत खूबसूरत प्लान होने वाला है। फ्रंट में दो दुकानें हैं और ऊपर रहने के लिए उन्होंने बनवाया था। तो पूरा डिटेल उनकी जो भी एनालिसिस थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनके अकॉर्डिंग आज मैंने इस प्लान को क्रिएट किया है। अगर आपकी भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप इस प्लान को बना सकते हैं या आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपना जो भी मकान बनवाना चाहते हैं, इसके लिए मैं पेड सर्विस चलाता हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना होगा, व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो आज का प्लान हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस प्लान की आज हम बात कर रहे थे वो ये प्लान होने वाला है और 20x26 फीट में मॉडल बना है। फ्रंट में आप देख सकते हैं दो दुकानें, जो कि एक बड़ी दुकान है और एक छोटी दुकान है। और इसके बाद इनका ग्रिल वगैरह पूरा डिजाइन दिया है मैंने और साइड में भी इनका रोड था, तो इस वजह से मैंने डोर यहाँ पर देख सकते हैं दिया है। ये विंडो दिए हैं, विंडो ऊपर से मैंने ढकने के लिए सज्जा टाइप का दिया, इसमें बरसात में पानी वगैरह ना जाए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इन्हें हटा सकते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और ऊपर एक गुमटी बनी हुई है स्टेयर्स को ढकने के लिए। ओवरऑल पीधरी सा प्लान 20x26 में ये बना हुआ है, जिसमें दो दुकानें, मतलब नीचे दुकानें गोडाउन है और ऊपर रहने का पूरा इंतजाम मैंने कर रखा है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसे जूम करके आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैक्सिमम जूम पर आपको ये ऐसा मॉडल दिखता है। इसकी ग्रिल की डिजाइन वगैरह दिखी, बहुत ही सिंपल प्लान बनाया है और एक बेहतरीन सा प्लान बनाया है, लो बजट प्लान बनाया है। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप इसे इग्नोर करिएगा। ये सबसे पहले दो दुकानें हैं जिसमें शटर लगा हुआ है। और साइड से बात करें तो साइड से आपको मॉडल ऐसा दिखेगा, आप मैं ऐसे दिखाता हूँ। इधर रोड गया है, ये इन मैंने सीढ़ियां बना रखी हैं दुकानों में एंट्री करने के लिए। इसका इस रोड से आप आएंगे, मेन गेट इनका इधर लगा है जिससे एंट्री करेंगे, साइड में विंडो है। तो मैंने टॉप व्यू दिखा देता हूं, अगर आप शटर ओपन करेंगे तो आप दोनों दुकानों को एक्सेस कर पाएंगे। और दोनों दुकानों में मैंने डोर दिया है जो कि गोडाउन में जाने के लिए है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक है या नहीं है तो आप इन्हें हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मेन डोर से एंट्री इधर की है और ये पीछे इनका गोडाउन है। और इधर सबसे पीछे लास्ट में स्टेयर्स है जो कि तीन से कट में गया है, आप इससे ऊपर जा पाएंगे। तो दोनों आगे दुकानें, गोडाउन और स्टेयर, जिससे आप ऊपर जा पाएंगे। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, साइड का एलिवेशन देख सकते हैं, एक बेहतरीन सा बना हुआ है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर आप फ्रंट से देखिएगा, सिमिलर है। मैंने जो भी शटर लगे थे उनको हटा दिया है और बालकनी को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक, जो नीचे आपकी दुकान है तो उसी साइज के दो बेडरूम बने हैं। बस लंबाई भी छोटा कर दिया है और चौड़ाई वही सिमिलर रखी है। और देखिए दोनों के अंदर आने के लिए डोर, अब ये डिपेंड करता है, ये पिलर बीच में आपको लग रहा होगा, तो अगर आप जब भी बनवाएं तो इसमें मोटा बीम पड़ता है। अगर आप ये पिलर नहीं चाहते तो कोई इतना बड़ा स्पेस नहीं है, आप इसे हटा भी सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा कि आप सरिया कितना डाल रहे हैं। इसका ये दोनों बेडरूम्स, ये आपका दोस्तों यहाँ पर लेट बाथ है स्टेयर्स के जस्ट साइड में। इसका ये आपका ओपन किचन मैंने कॉर्नर पर क्रिएट कर दिया, ओपन किचन आप क्लोज भी कर सकते हैं, बट स्पेस काफी कम हो जाएगा, चीजें कंजेस्टेड हो जाएंगी, इस वजह से मैंने ओपन रखा है। और साइड से विंडो आपके मैंने दिए क्योंकि इधर रोड था और आगे भी देखिए विंडो, और इस डोर से आएंगे अपनी बालकनी को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो देख सकते हैं दो बेडरूम, लेट और ये ओपन किचन, स्टेयर्स और ये पूरा ओपन स्पेस। लास्ट में बात करें तो चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, ग्रिल को बिल्कुल सिमिलर जैसे ग्राउंड फ्लोर पे था, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे था, वैसे सेकंड फ्लोर पर ग्रिल बना दिया है। 3 फीट का बाउंड्री वॉल, ऊपर स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी और लास्ट में इसको ढक दिया है। और ये दरवाजा, ये पूरा ओवरऑल दो दुकान गोडाउन रहने के लिए पूरी प्रॉपर तरीके से 20x26 में बनकर एक मकान रेडी होता है। हमारे एक पेड यूजर थे, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा मॉडल बना हुआ है। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल अगर आप इस चैनल पर अगर आपको अच्छे वीडियो मिलते हो, नए मॉडल्स मिलते हो तो सब्सक्राइब कर लें। हमें मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ साथ अगर आप हमारे पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट
जरूर करें, वहां पर आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50 बाद में। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।